क्या ये क्या कह रही हो? 10 लाख का सेट? फॉर गॉड सेक, तुम क्या कर रही हो? दिस इज टू मच। कम ऑन आसिफ, क्या हो गया आपको? हमारा एक ही तो बेटा है और उसकी शादी भी हमने एक ही बार करनी है। ऐसे मौके रोज रोज तो नहीं आते ना। इस पर तो जितना दिल खोल के खर्च करे उतना ही कम है। देखो, अब इतना भी हाथ और दिल खोल कर खर्च ना करो कि पीछे खुदा ना खास्ता कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह ना करे आसिफ, क्यों डरा रहे हैं मुझे? देखो, मैं सही कह रहा हूं सबीन बेगम, ये मंगनी तो है, 3-4 लाख की ज्वेलरी से काम चल जाएगा, बाकी अरमान हम शादी में निकाल लेंगे। मंगनी से ही तो पता चलेगा कि हम कहां और किन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। हम भी उनसे कम नहीं है। क्या मतलब? शुमाइला भाभी बता रही थी कि मंगनी के लिए उन्होंने डायमंड का छोटा सा सेट 12 लाख का लिया। इसमें मुझे कहना पड़ा कि आप क्यों लाएंगी सेट, हम पहनाएंगे। आखिर हम भी कुछ कम तो नहीं है? अगर वो शेर है तो हम सवा शेर। देखो सबीन, एहतियात से खर्च करो, बिजनेस के हालात आजकल ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, सेरामिक्स की जो फैक्ट्री लगाई है, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए जरा हाथ खींच के खर्च करो। खैर, ये तो नहीं हो सकता। आपको तो पता मैंने सारी जिंदगी हाथ खींच के खर्च नहीं किया। फिर ये तो मेरे इकलौते बेटे की शादी का मामला है। आप फिक्र ना करें, आपने घाटे का सौदा नहीं किया। 100 लगाएंगे तो करोड़ों कमाएंगे आप। क्या मतलब भाई? करोड़ों की इकलौती वारिस है एमिन, कुछ ना कुछ तो साथ लेके आएगी ना। ये तो है। तो फिर क्यों फिक्र करते हैं? मैंने तो 3 लाख के कंगन भी ऑर्डर कर दिए हैं, शाम तक मिल जाएंगे। अच्छा, 3 लाख के और भी ऑर्डर कर दिए? हाँ ना, इन्वेस्टमेंट, यू नो। अच्छा, तो खूबसूरत है। अंदर ले जाओ कमरे में। अस्सलाम वालेकुम खाला भी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे थोड़ी सी कमजोर लग रही हो। आप मुझे ये बताएं खाला भी, आप तो 2 दिन पहले आने वाली थी, मैंने आपको फोन पर कितनी ताकीद की थी। अरे हाँ, ताकीद की तो थी, लेकिन क्या करूं, ये मेरे मुन्ने की दुल्हन है ना। अरे जब उसे पता चलता है कि मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ तो एकदम से बीमार पड़ जाती है। 2 दिन अस्पताल में लगा के आई। अच्छा। और मेरा दिल करे कि मुझे पर लग जाए और मैं भाग के अपनी बेटी के पास आ जाऊं। अरे तेरी पहली खुशी है ना, इसलिए। लेकिन ये कमबख्त, ये रेलगाड़ियां
ये रेलगाड़ियों वालों ने कहा कि सुबह रेलगाड़ी आएगी, ना आई। फिर कहा दोपहर को आएगी, फिर भी ना आई। अरे शाम को भी ना आई। अरे बसों के धक्के खाते खाते आई हूँ। सलाम खाला भी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है खाला भी। खाला भी आप बैठ जाएं, सांस तो ले लें। भाई शुमाइला, खाला भी के लिए पानी मंगवाओ भाई। हाँ चलें खाला भी बैठें। आप मुझे ये बताएं कि आप जूस पियेंगी कि मैं पहले आपके लिए खाना लगवाऊं? अरे कुछ नहीं, पहले तो मैं चाय पीऊंगी। अरे बसों में धक्के खाते खाते सर में दर्द इतनी शदीद हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, बाद में खाना खाऊंगी। और खाला भी, घर में सब खैरियत तो है ना? अल्लाह का करम है। अरे पोता भागता फिरता है जगह जगह। सदके में वारी, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुमाइला जी, है लड़की का रंग पीला जर्द हुआ हुआ है, सरसों के फूल की तरह। तू इसे कुछ खाने को नहीं देती? खाला भी, ये हमाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे हमारी बेटी की मंगनी हो रही है। ये इकट्ठे बाहर गए थे क्या? खाला भी, ये अपनी मंगनी के कपड़े खरीदने गए थे बाजार। ओए होए, क्या जमाना आ गया भाई। ओके एमन, मैं चलता हूँ। तुम आंटी को ये ड्रेसेस जरूर दिखा देना। मार बेटा, खाना खाकर जाते। नो थैंक यू अंकल, मुझे दरअसल डैडी के साथ बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। फिर सही? अच्छा अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। हमार, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बंटी, तुम तो रुको ना। यार पता है, मैं भी घर का चक्कर लगाऊं, रात को फिर आ जाऊंगी ना। ओके ओके अल्लाह। खाला आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आ मेरे पास, आ मेरी बच्ची, मेरे पास भी बैठ। सदके में वारी, कैसा चांद का टुकड़ा है ये। मामू, वो मैं यहाँ बैठकर पढ़ लूँ? वो अम्मा की तबीयत बहुत खराब है ना, तो वो सो रही है। और कल सुबह मेरा टेस्ट भी है। पढ़ लूँ? मुसीबत है, अभी तो लाइट आई थी, वो भी 3 घंटे बाद। हमारे घर भी कोई यूपीएससी इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए थी। अब मैं टेस्ट कैसे तैयार करूंगी? गरीब का भी क्या नसीब होता है, अंधेरों में पैदा होता है और अंधेरों में मर जाता है। फिलहाल इससे काम चला दो, अगर चलते हैं तो।
ऐसे ओफो मामा क्या करनी है बेटा मुझे देखने तो दो ना खाला भी मेरा दिल चाहता है कि मेरी बच्ची अभी दुल्हन बन जाए देखें तो सही कैसे खिल रहा है इसके ऊपर ये कलर जब ये पहनेगी कितनी अच्छी लगेगी अरे अल्लाह इसको हासदों की नजर से बचाए शुमाइला इसका सदका दे दिया है ना हाँ खाला भी सदका भेज दिया था काफी और काले बकरे सुबह मंगनी के वक्त देंगे ए अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे पर शुमाइला मैं इस बात पे अभी भी हैरान हूँ कि हमाद और एमन एक साथ बाजार क्यों गए थे अल्लाह तेरा भला करे ऐ कुछ नहीं तो पर्दा करा के भेज देती और मेरी बात सुनो शुमाइला ऐ वो तो बच्ची है तू तो समझदार है ना दो चार दिन ससुराल वालों से पर्दा कराना इसको और खास तौर पर हमाद के सामने ना आने देना हाँ बस भी करे खाला भी आपका इरादा तो मुझे काले पानी भिजवाने का लगता है क्या हो गया बेटा कुछ सोच समझ कर बोलते हैं और नहीं तो क्या अभी तो खाली मंगनी हो रही है और खाला भी इतनी पाबंदियां लगाए जा रही है शुमाइला बेटी मंगनी को छोड़ो सीधे सीधे निकाह के दो बोल पढ़वाओ जो शरई काम है ये मंगनिया मंगनिया तो सीधा पैसे का नमूदो नुमाइश है हा? खुदा का नाम ले खाला भी मामा मैं जा रही हूँ बैठो बेटा खाला भी ये तो मंगनी के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी हुई है वरना मैं तो ये चाह रही थी कि इसका निकाह कर देती उसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए चली जाती नतीजा जो भी होता मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी मामा प्लीज आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ नहीं नहीं मैं ये चाह रही थी कि कल तो मंगनी है तो क्यों ना आज रात हम लोग ढोलक रख ले कुछ हमसायों को बुला लेंगे कुछ अमन के फ्रेंड्स हो जाएंगे मैंने वैसे बंटी को बोल दिया है कि आज शाम के लिए इसकी फ्रेंड्स को बोल दे हाँ ढोलक रख रही हो हाँ ठीक है कम से कम शादी वाला घर तो लगेगा शादी वाला घर अरे शादी वाला घर ना सही मंगनी वाला ही सही अरे शुमाइला इतना रुपया पैसा लगा रही हो तुम दो बोल निकाह के पढ़ाओ और रुखसत करो बच्ची को हाँ खाला भी आप बहुत बुरी है मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करी मैं जा रही हूँ क्या होगा तुम्हें अरे मैं सुना अरे मासूम बच्ची क्यों नाराज हो गई है खाला भी के साथ ए बड़ा गुस्सा है भाई अल्लाह नहीं बंटी मुझे तो इमन की सिलसिले में कोई कॉल नहीं आई और वैसे भी जब से हम उसके घर से आए हैं वी हैवंट इवन स्पोकन अच्छा वैसे मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें चलना चाहिए हमारी सब फ्रेंड्स होंगी तो बहुत एंजॉय करोगे मतलब कि सब लड़कियां तो मैं वहां क्या करूंगा बंटी ओह तो तुम कब से इतने कॉन्शियस होने लगे कम ऑन यार तुम्हें चलना चाहिए शुमाइला आंटी ने बाकायदा ढोलक रखवाई है और घर को ऐसे डेकोरेट किया है जैसे शादी से एक दिन पहले किया जाता है मम्मी ने तो मेरे हाथ एमन के लिए शादी का पीला जोड़ा भी भिजवाया है क्या पीला जोड़ा तो एज इन मेहंदी का ड्रेस हाँ ना वाह ये तो अच्छा खासा फंक्शन लग रहा है इसीलिए तो कह रही हूँ चलो जब फंक्शन का धुलाई नहीं होगा तो खाक मजा आएगा प्लीज हमाद तुमको आना पड़ेगा नहीं यार एमन की खाला भी 1890 की नानी दादी टाइप लगती हैं दोपहर को उनके एक्सप्रेशंस देखे थे छोड़ो ना यार अच्छा मैं तुम्हें जाकर एमन से फोन करवाती हूँ फिर तो भागे चले आओगे ठीक है मूड बना तो आ जाऊंगा ओके बाय मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा अच्छा ओके इट मींस कि तुम हमारे साथ जा रहे हो कहाँ मामा कहाँ जा रही हैं आप भाई तुम्हारे ससुराल वालों ने ढोलक रखी है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने जमाने के बाद वहां रौनक लगेगी बड़ा मजा आएगा तुम भी चलो मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया मैं सुन रही थी बंटी तुम्हें इतना इसरार कर रही थी और तुम मुसलसल इनकार किए जा रहे थे
चलो ना, बड़ा अच्छा लगेगा वहां। मामा इनविटेशन घर वालों की तरफ से होता है। मेरे चंदा, तुम खुद भी तो घर वाले हो और अब तो तुम खुद उनके फैमिली मेंबर बनने जा रहे हो, फिर ऐसे क्यों सोचते हो? बस मेरा मूड नहीं है। अच्छा, मूड बने तो आ जाना, मैं तो तैयार होने जा रही हूँ। मैंने जीनत भाभी और बंटी को भी साथ ले रहे हैं। अरे, हम लड़के वाले बन के जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, तुमने जरूर आना है। बस ओके मामा, देखते हैं। ओके। ये मुमकिन नहीं है अमन। कैसे मुमकिन नहीं है मामा? मैं भी तो आप लोगों की एंगेजमेंट वाली बात मान रही हूँ ना। ये और बात है मेरी जान। क्यों और बात है? खामखा जिद कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उसकी तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, कभी ना कभी। मामा प्लीज। कल मंगनी है तुम्हारी और साल दो साल बाद शादी हो जाएगी, फिर तो मामा से जुदा होना पड़ेगा ना। कि मामा को भी साथ ले जाओगी अपने ससुराल? लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना, अभी तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी हर सूरत। चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, कितना अच्छा लग रहा है ये ढोलक और ये गाने वाने। वहां आपके पास सिर्फ पापा होंगे, मुझे यहाँ कैसे चैन आएगा? बेटा एग्जाम है तुम्हारे, बहुत अहम सेमेस्टर है। फिर दे दूंगी मैं। अच्छा चलो, इस पे फिर बात करेंगे। अभी ये कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमानों ने आना शुरू कर दिया है। आपने बिना वजह इतना कुछ कर लिया, सबको बुला लिया। ओहो, इतना अच्छा तो लग रहा है सब, और सब लोग अपने हैं। नहीं तो। ओहो, हद हो गई, मैं भी बातों में भूल गई। हमाद को फोन करो तुम, तुम्हारे पापा बार बार बुला रहे हैं मुझे, छोटे छोटे कामों पर मेरी दौड़े लगाई हुई है। अच्छा ये तैयार हो जाओ तुम फौरन, बैठी ना रहना। ओके। क्या मुसीबत है? खबरदार जो उल्टी सीधी बात की। अच्छा ना, ठीक है। पारस्परा।